Reji, Anil Jhaji Buradi, Deepak Jhaji, Praveen Kumar Jhaji, आदि अपन उपस्थिति से एहि कार्यक्रम में एहि यज्ञ में कुनु न कुनु रूप में उपस्थितिक आहुति प्रदान कर रहल छथि, हम एहि लेल विशेष हुनकर आभार व्यक्त करै छी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नाम सुनने मात्र से रोमांच भऽ जाइए, लेकिन ध्यान राखब ई नेगेटिव रोमांचक लेल हम रोमांच शब्द के प्रयोग नहीं केलहुँ हैं। ई विचारो विचार से जे उत्पन्न होयवला रोमांच अछि एकर हम चर्चा कर रहल छी। वही जेएनयू में अपन प्रतिभा के एक स्तंभ के रूप में जाने वाला जाय वाला मनिंद्र जी हमर अग्रज छथि, पहिने दिल्ली विश्वविद्यालय में छला, हिनकर छत्र छाया सानिध्य हमरा बराबर प्राप्त होइत रहल। अपन विचार प्रस्तुत करता गांधी मुक्तिगामी समाज स्त्री विमर्श, यही विषय पर हम हार्दिक एक भावना के साथ हुनका एहिठाम आमंत्रित करै छियनि, अपन विचार 10-15 मिनट में प्रस्तुत करता, फिर अपन ई कार्यक्रम हम आगा बढ़ाएब। धन्यवाद पंकज जी। एहि कार्यक्रम में आवे के पहिने हम ई प्रॉमिस करवने रही कि हम मैथिली में शायद नहीं बाजि सकब, कियाकि हम आई डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। हम तीन बात कहना चाहते हैं। पहली बात करना चाहते हैं गांधी के बारे में कि गांधी को आज कैसे देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात मिथिला के बारे में और मिथिला की संस्कृति के बारे में, और तीसरी बात वैदेही के बारे में। गांधी की जो बात सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में है वो मुझे लगता है कि ये नहीं है कि गांधी शांति के पुजारी थे। मुझे लगता है गांधी शांतिपूर्वक युद्ध के पुजारी थे, गांधी संघर्ष के पुजारी थे। उनका सिर्फ कहना ये था कि संघर्ष को शांतिपूर्वक करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह है आत्म आलोचना की। कॉन्स्टेंटली गांधी रिव्यू करते थे अपने समाज को, अपने आप को भी। ये दो बातें मुझे लगता है गांधी को बाकी सारे नेतृत्व से अलग करता है। आपने गांधी फिल्म देखी होगी तो गांधी जैसे ही आते हैं साउथ अफ्रीका से और फिल्म में उनका प्रवेश होता है, बहुत से नेता बैठे हुए हैं, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्ना साहब बैठे हुए हैं, नेहरू जी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हैं और गांधी के बारे में बात करें, कोई गांधी आया है, वो भी आने वाला है, वो आ जाए तो हम लोग बातचीत शुरू करें। गांधी आते हैं अपने आधी धोती और नीचे और ऊपर में, और आते ही पहला काम करते हैं कि जो आदमी वेटर है जो ट्रे में लेकर चाय देने आता है उनके हाथ से वो ट्रे लेता है और कहते हैं कि जब तक हमारे और इनके बीच में बराबरी का संबंध नहीं होगा तो हम अंग्रेज़ों से बराबरी के लिए नहीं कर सकते। ये मुझे लगता है कि गांधी का सही स्वरूप है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए, मुक्ति के लिए संघर्ष का जो उन्होंने बिगुल बजाया है और शांतिपूर्वक संघर्ष का, ये गांधी का असली रूप है। और इस असली रूप का एक खास आयाम है जो गांधी को मिथिला से जोड़ता है। वो खास आयाम है जो उनके आत्मा के बारे में उनकी समझ है। कोई आदमी राजनीतिक तौर पर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बिल्कुल सेल्फलेस हो जाए? जिन लोगों ने राजनीति की है उनको मालूम होगा कि यदि आप सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे ही आप राजनीति में जाएंगे कि आपकी सारी बुराइयां सबके सामने आ जाएंगी। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और इतना जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव सेल्फ है, जो हमेशा ये देखता है कहीं मेरा अपमान तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरे सम्मान में कोई कमी तो नहीं आ रही है, हर मौके पे देखने की कोशिश करता है कि पावर का सही बैलेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। गांधी कैसे इसे बाहर निकल पाए? निकल पाने का बहुत बड़ा कारण ये था कि गांधी को एक बात समझ में आई कि यात्रा जितनी बाहर है उससे ज़्यादा यात्रा अंदर है। ये अंदर की जो यात्रा है इसकी समझ यदि पूरी दुनिया में
फिलॉसफी में कहीं से आती है तो वो मिथिला से आती है, और मैं यहाँ से आपको मिथिला ले चलूँगा। जो नाम वैदेही पड़ा है, विदेह के बारे में एक पूरी कहानी है, आप लोगों के साथ मालूम होगा उस कहानी के बारे में, कि अष्टावक्र बहुत बड़े फिलॉसफर थे, कम उम्र में बहुत बड़े फिलॉसफर थे, और 8 जगह से उनका शरीर मुड़ा हुआ था, विकलांग थे। वो जनक से मिलने जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है। उसके पीछे की कहानी मैं नहीं कहूँगा, बहुत लंबी कहानी है, कि वो अष्टावक्र क्यों हुए थे, क्योंकि उन्होंने वेद की आलोचना, उनकी माँ ने जब वो पेट में थे तब वेद की आलोचना करती थी उनकी माँ, तो उनके पिता ने कहा कि इसकी वेद की आलोचना तुम इसलिए कर रही हो कि तुम्हारे अंदर का जो बेटा है वो गड़बड़ कर रहा है तुम्हारे साथ, तो उन्होंने उसको शाप दे दिया और वो अष्टावक्र हो गए। यानी कि उस समय में वेद की आलोचना संभव थी, और वो जब जनक के दरबार में पहुंचे तो बाहर उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, कहा बच्चा है अंदर कैसे जाएगा। तो उन्होंने एक श्लोक पढ़ा तो लोगों को लगा ये कौन व्यक्ति है, उसे अंदर प्रवेश मिला। अंदर गया तो दरबारी लोग देखकर हंसने लगे उनके शरीर को देखकर, तो उन्होंने कहा मैं तो समझा था यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ तो चर्मकार लोग बैठे हैं जो देख रहे हैं कि मेरा चमड़ा उपयोग में आ सकता है कि नहीं। तो बड़ा हंगामा हुआ। फिर वो गए क्यों थे वहाँ, उसकी भी एक कहानी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मिलने आया हूँ, ये कौन आदमी है जो अपने आप को विदेह कहता है। विदेह का मतलब है कि जिसे देह का शुद्ध नहीं हो। और जनक को देखा कि जनक 2 महिलाओं के नग्न शरीर पर अपना हाथ रखे हुए हैं, तो और ज़्यादा उनको गुस्सा आया। लेकिन तब तक देखा कि नीचे आग जल रही है और उनका पांव आग के ऊपर है। फिर जनक और अष्टावक्र में एक संवाद होता है जिसे अष्टावक्र गीता के नाम से कहा जाता है। और अष्टावक्र गीता के बारे में लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल टेक्स्ट है माइंड बॉडी रिलेशनशिप के बारे में। जिस माइंड बॉडी रिलेशन का प्रॉब्लम पश्चिमी दुनिया में हुआ है, जहाँ की शरीर और मन को अलग अलग कर दिया गया और कहा गया कि शरीर का विज्ञान पूरा विकसित हो गया लेकिन मन के बारे में उनको कुछ समझ नहीं आता है, जिसके कारण जो सविता जी अभी कह रही थी कि एक ऐसा फेमिनिज्म डेवलप हुआ है जिसमें महिला को सिर्फ शरीर के रूप में देखा जा रहा है, उसे ये नहीं समझा जा रहा कि एक पूर्णता उसकी क्या है। अष्टावक्र में वो डिबेट बहुत पावरफुल तरीके से आया है। और मैं ये मानता हूँ कि कोई डिबेट तब तक नहीं होता है जब तक समाज के अंदर वो डिबेट नहीं चल रहा हो। तो निश्चित रूप से मिथिला के समाज में इस तरह का डिबेट चल रहा होगा, और उसके कई उदाहरण भी हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नी जब याज्ञवल्क्य संन्यास में जाने लगे, उन्होंने कहा मैं संन्यास में जा रहा हूँ, अब सारी संपत्ति मेरी तुम्हारी है, तुम आराम करो यहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात कर रहे हैं, संपत्ति लेके मैं क्या करूँगी, क्या मुझे संन्यास, क्या मुझे मुक्त होने का अधिकार नहीं है। फिर पूरा डिबेट चलता है कि माइंड और बॉडी का रिलेशनशिप क्या है और कैसे हम कॉन्शसनेस के लेवल पे मुक्त हो सकते हैं, चेतना के लेवल पे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं। गांधी मेरे ख्याल से चेतना के लेवल पे मुक्त होने की बात करते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं, जैसे कि बाद में कई मार्क्सवादी चिंतकों ने कहा, काउंटर हेजिमनी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले ये सोच लो कि तुम मुक्त हो, यदि तुमने अंदर सोच लिया कि तुम मुक्त हो तो बाहर से कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता है। और ये जो सोचने की बात है कि अंदर क्या हम चेतना में यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि हम सामाजिक तौर पर गुलाम होने के बावजूद मानसिक तौर पर पूरा मुक्त हो जाएं, ये मुझे लगता है कि मिथिला की संस्कृति का पार्ट था रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं अभी कुछ शोध और कर रहा हूँ, फिर मैं आप कुछ दिनों के बाद आपको कह सकूँगा ठीक से कि क्या ये अब भी वहाँ की चेतना में उपलब्ध है या नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से संस्कृति का पार्ट ये रहा होगा। और इस तरह की संस्कृति में जो स्त्री विमर्श की बात हो सकती है, मुझे लगता है गांधी उससे भी प्रभावित थे। निश्चित रूप से कहना कठिन है, लेकिन गांधी का यदि हम देखें, जो बात अभी इन्होंने कही कि गांधी, राजेश ने कही कि गांधी को इस बात का क्रेडिट देना ज़रूरी है कि उन्होंने बड़े पैमाने पे महिलाओं को घर से बाहर निकालकर राजनीतिक बना दिया, और उस समय राजनीतिक बना दिया जिसमें भारतीय समाज अभी अभी सती प्रथा से मुक्त हुआ था, अभी अभी मुक्ति मिली थी इनको उस तरह की प्रथाओं से। उस समय इन्होंने
बड़े पैमाने पे महिलाओं को बाहर निकाला। और ये डिबेट उस वक्त जरूर चलता होगा कि चरित्र क्या है, महिलाएं जो बाहर निकल रही हैं पहली बार, दूसरे पुरुषों से उनका संपर्क हो रहा है, उनके संबंध कैसे बन रहे हैं। आपने घरे बायरे फिल्म देखी होगी जो कॉन्ट्रडिक्शन मॉडर्निटी में पैदा हुआ, या आज भी जो कॉन्ट्रडिक्शन हम देख रहे हैं जो हमारे यहाँ चल रहा है। गांधी इन चीज़ों से वाकिफ होंगे और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं गांधी उन मूल्यों के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे जिन मूल्यों के बारे में रेडिकल फेमिनिस्ट लोग कहती हैं कि ये गांधी कंजर्वेटिव है और एंटी वेमेन है। लेकिन गांधी मेरे ख्याल से मिथिला की संस्कृति से एक अल्टरनेटिव फेमिनिज्म लेके आते हैं, एक अल्टरनेटिव फेमिनिज्म जो क्रांतिकारी है लेकिन शिष्ट है, जो क्रांतिकारी है, जो तर्कपूर्ण है, जो चीजों को आसानी से नहीं मानता है लेकिन संबंधों का सम्मान करता है, संबंधों का सम्मान करता है। और वो समझता है ये फेमिनिज्म कि इसमें शायद पावर रिलेशनशिप हो, शायद हमें इन्फीरियर समझा जा रहा हो, इसके बावजूद ये बताने के बाद भी मैं इन संबंधों को सर आँखों पर रखती हूँ। ये जो चीज़ मेरे ख्याल से मिथिला में जो उस फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन का पार्ट रहा होगा, गांधी उससे बहुत कुछ सीखते थे। गांधी के सीखने का यदि अब टेक्सचुअल प्रमाण खोजेंगे किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह, मिलना बड़ा मुश्किल होगा। गांधी ने कुरान से बहुत कुछ लिया है लेकिन आपको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। यदि आप पढ़ेंगे गांधी को और कुरान को तो लगेगा अरे गांधी तो कुरान का अच्छा खासा अध्येता है, या बाइबिल से बहुत कुछ उन्होंने ले लिया है। वैसे गांधी ने जो यात्रा की भारत में, जिसे मैं कहता हूँ ज्ञान यात्रा, और मैं ज़्यादातर राजनीतिज्ञों से कहता हूँ और एकेडमिशन से भी कहता हूँ कि हमें ज्ञान यात्राएं करनी चाहिए अपने समाज को समझने के लिए। जो गांधी ने ज्ञान यात्रा की थी, जिस संस्कृति को गांधी ने पकड़ने की कोशिश की थी, मुझे लगता है उसमें मिथिला के इन तथ्यों को उन्होंने रखा था। जो वैदेही की संस्कृति थी, वैदेही जैसा पंकज जी ने बिल्कुल सही कहा कि आमतौर पर देखने से लगता है ये क्या महिला है, सारी बातें मान रही है, चली गई वनवास में, लौट के आई, उसे निकाल दिया गया, वो बाहर चली गई, धरती में समा गई, ये जो हाइट ऑफ सबमिशन है, हाइट ऑफ पेट्रियार्कल ऑपरेशन है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद किसी भी मौके पर वैदेही ने तर्क को नहीं छोड़ा और क्षमा को नहीं छोड़ा, और राम को भी क्षमा करता रहा, करती रही, संबंधों के मर्यादा को समझती रही, लेकिन कंटिन्यूअसली ये बात बताती रही कि इसमें गड़बड़ चल रहा है। ये मुझे लगता है गांधी के शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए एक जरूरी आयाम था। इसलिए सरेंडर नहीं था। जब गांधी आपकी बातों को मानते हैं, आपसे बहस करते हैं, आपसे बहस करने को तैयार है, तो ये सरेंडर नहीं है, ये इनविटेशन है डायलॉग के लिए। और जिस डायलॉग के द्वारा वो परिवर्तन की बात करते हैं, सत्याग्रह आग्रह है, ये दुराग्रह नहीं है, सत्याग्रह है। और ये सत्याग्रह की जो पूरी बात है, मुझे लगता है वैदेही के इस संस्कृति का पाठ रहा है। इसे और गंभीरता से समझने की जरूरत होगी, और मुझे लगता है कि बौद्धिक जगत को इस पे जाने की जरूरत होगी कि कैसे हम इसमें जाए। और एक आखिरी बात मैं कहूँगा, जो प्रयोग गांधी ने किया, जो सेवा का प्रयोग था, जो एक महिला आंदोलन ने खड़ा किया, जो महिलाएं घर से बाहर निकल के आईं, बहुत परेशानी में रहती होंगी, कई महिलाओं को पतियों ने छोड़ दिया, कई महिलाओं के पति मारे गए आंदोलन के दरमियान, तो गांधी के सामने ये सवाल था कि ये क्या करेंगे। तो गांधी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सेल्फ एम्प्लॉयड महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो आज तक का सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे सक्सेसफुल मॉडल है इंडस्ट्री का। ये जो मॉडल इंडस्ट्री का है, ये मुझे लगता है इस वैदेही कल्चर का पार्ट है, जिस वैदेही कल्चर में
लोकगीत उनका हिस्सा है, पेंटिंग उनका हिस्सा है, आर्ट एंड क्राफ्ट उनका हिस्सा है, जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिसका कोई स्कूल नहीं है, जिसका कोई कॉलेज नहीं है, लेकिन ये सब उनका अपना हिस्सा है, अपना जीवन है, और उस जीवन के द्वारा वो वहाँ से निकल के बाहर आती हैं, उनकी प्रतिभाएं बाहर निकलती हैं। मुझे लगता है इसलिए इस वैदेही संस्कृति के बारे में बात करने में महत्वपूर्ण ये ज़रूर है कि हम मिचला की संस्कृति की बात करें, लेकिन मैं आगाह करूँगा ऑर्गेनाइजर्स को भी, दोस्तों को भी, कि संस्कृति के बारे में जब आप बहुत ज़्यादा ऊंची बातें करते हैं वो शायद इस बात का परिचायक होता है कि आप कहीं डिप्रेस्ड हैं, अपनी संस्कृति को लेकर कहीं डिप्रेस्ड हैं। आप तभी उसके बारे में ऊंची बात करेंगे जब आपको लगेगा कि इसे सही मान्यता नहीं मिली है, और ये सच भी है। आज की तारीख में डेटा ने सजेस्ट किया कि सेक्स रेशियो मिनिमम हो गया वहाँ का, और मैं जानता हूँ पिछली बार एक पंचायती महिला पंचायत सेविकाएं आई थी, उन्होंने बताया कि ये आए दिन हो रहा है, भ्रूण हत्या वहाँ पे मिथिला में, मधुबनी में, आई कुड नॉट इमेजिन, ये आए दिन हो रहा है। तो वहाँ परिवर्तन के लिए आगाज करना ही हमें हमारी संस्कृति की रक्षा का जरूरी है। यदि सिर्फ हम अपने गुणगान में लगेंगे तो शायद परिवर्तन नहीं हो सकता है। और बहुत सारी बातें, मुझे तो लगता है कि, माफ़ कीजिएगा फिर लोग कहेंगे, जेएनयू के लोगों को यही समझ में आता है, मुझे लगता है कि वहाँ भारी आंदोलन की ज़रूरत है, भारी आंदोलन की ज़रूरत है। हम कहीं ना कहीं जो फिलॉसफी था, जब हम दुनिया में फिलॉसफी के सबसे बड़े सेंटर हुआ करते थे, वहाँ से हम यहाँ मूव कर गए हैं कि फिलॉसफी ख़त्म हो गई है, रिचुअल्स बच गया है, और हम रिचुअल में फंसे हुए हैं। मेरे एक दोस्त हैं प्रोफेसर, जिनकी शादी हुई है किसी मैथिल ब्राह्मण से, वो खुद कहीं और के रहने वाली हैं, वो कहती हैं, आजकल वो समा चकेवा पर काम कर रही हैं, वो कहती हैं कि मिथिला की परेशानी ये है कि जितना कुछ हम लोग कमाते हैं वो सब रिचुअल में ख़त्म हो जाता है। वी कांट सेव एनी मनी, वी आर जस्ट स्पेंडिंग मनी एवरी डे। एक माता पिता के मरने पर कई साल तक रिचुअल में लगे हुए हैं, सारे साल की कमाई उसमें चली जा रही है। देयर इज नो कैपिटल फॉर्मेशन इन मिथिला, and that is a tragedy of Mithila. I think we have to understand how things are changing and we must transform this. Savita ji mujhse agree nahi karengi, bahut baar behas karti hain is baat par, lekin mujhe lagta hai ki Vaidehi jaisi sangstha yadi in baaton ko lekar chale aur samajik parivartan ki taraf jaye bina apne sanskriti ke mulyon ko